दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा तो बहुत हमारा क्या होगा। सो क्या सर, स्वागत आपका मेरे सीरियल के में, नमस्ते सभी को। सो टुडे इज द नेक्स्ट डे। सो आज हम जा रहे हैं कहाँ, जिसे कहते हैं कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स, दैट इज चंडीगढ़। दिन नजारे यानु पटिया। देखते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं घूमने वाली, तो अभी हमारा मेन वहां पे ही है एंड वहां चलते हैं अपन, मस्त आराम से घूमते फिरते ऐश करते हैं। तो लेट्स गो ओवर देयर। ठीक है जी, अभी नीचे फटाफट वीडियो अपलोड हो रही है, जो इससे पहले का व्लॉग देखा ना, वो भी जस्ट यही भी रेंडर हो रहा है, वो रहा रेंडरिंग टाइम। ठीक है, ये रेंडर होकर अपलोडिंग पे लगा के फिर जाऊंगा, ताकि आज रात, मतलब आपके लिए तो जिस रात निकल चुकी है, कल रात को टाइम पे व्लॉगिंग का व्लॉग आ जाए। ठीक है जी, तो चलते हैं। इस बार मैं ड्राइव करूंगा, पापा और बहन को मैं नहीं गए। मैंने उनको कहा कि आप पहले अपना अपना चाह उतार लो, फिर मैं अपना चाह उतारूंगा। यहाँ से चंडीगढ़ चंडीगढ़ से हमने सर विल बी ड्राइविंग। फाइनली फाइनली अराउंड 2 बजे हम पहुंच गए हैं इधर अपने पंचकुला के गेस्ट हाउस में। तो अब चलते हैं अपना, देखते हैं क्या हिसाब है। रूम लुझाना कर अच्छी तरह से यहाँ दिखाएंगे हम बॉर्डर, क्योंकि मेरा घर था ना, यहाँ देखते हैं कि क्या हिसाब है। ये फर्स्ट फ्लोर देखिए खुला नहीं, क्या हिसाब है। बात खुला तो है, यही है रूम और गेस्ट हाउस, यही है ना भाई अपना गेस्ट हाउस। ये आ गया हमारा रूम 1। ठीक है जी, बालकनी बालकनी दिखाते हैं, दिखाएंगे बालकनी भी, दिखा देते हैं। चलो बालकनी भी दोनों दिखा देते हैं। ये भाई पेड़ो पेड़ी बालकनी रूम 1 की, अगला रूम दिखाते हैं अभी करेक्शन। ये है हमारा सेकंड रूम और इसकी बालकनी भी दिखा देते हैं आपको बढ़िया की। फिर ए सी वैसी लगा के कोई काम नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं और ये इधर लगा रखा है गाड़ी। गेस्ट हाउस की यह 2 कुर्सियां लग रही हैं, ये काश उठाने को मिले मुझे। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे को सीक्रेट सेंटा का गिफ्ट आया है, वो अनबॉक्स करेंगे 24 को, क्योंकि मुझे लगता था कि 24 को होगा। बट मेजोरिटी लोग 24 की जगह पे 26 को फ्री हैं, सो द डेट डिसाइडेड इज 26। मैं मानता हूँ दुख की बात है, रीजन बीइंग पहली बात तो मुझे 2 दिन और वो पार्सल नहीं खोलना होगा, ऐसा सोचा था मैंने, पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे आज आपके सामने सीक्रेट सेंटा गिफ्ट रिवील करना है, आपके सामने खोलेंगे। देखो मुझे इतना स्टैंड वैंड की फील आ रही, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, तो मैंने कहा कि इस चीज़ को हम सस्पेंस नहीं रखते। ठीक है जी, तो हम आज ही खोल देते हैं, क्योंकि फुल डे ट्रैवलिंग है, धर्मशाला वगैरह जाना है, तो खोल देते हैं। अब खोल रहे हैं हम सामने, कुछ तो है, ट्राईपॉड है। अब देखो मेरे पास एक बड़ा ट्राईपॉड है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास नॉर्मल ट्राईपॉड हो। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैंने देख लिया कि ट्राईपॉड 3110 है। आई होप कि वो है ट्राईपॉड जो छोटे वाला होता है, मतलब जो माउंट नॉर्मल, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो मुझे लग रहा है शायद बड़े वाला मैंने निकला है, पर है बहुत हल्का, अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है, और ये अच्छी बात है। देखा जी अमेजन वालों ने एक बिल भिजवा दिया है, जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं हूँ खरीदा। ठीक है जी, अब हम ट्राईपॉड खोलने लगे हैं, खोला जाए ट्राईपॉड को। ट्राईपॉड अंदर भी एक पैकिंग में है कपड़े की, तो हम उसको भी अब खोल लेते हैं। देखो मुझे बहुत हाई चांस लग रही है ट्राईपॉड ही होगा, अंदर कुछ ऐसे वारंटी वारंटी कार्ड तो नहीं, कुछ प्रमोशनल ऑफर है। तो चलो अब हम आगे का खोल लेते हैं इसको फटाफट। अरे ये मुझे लग रहा है बड़ा ट्राइपॉड लग रहा है, अरे ये कुछ अलग लग रहा है, अरे मोबाइल का भी अमाउंट है, दैट्स अ गुड थिंग, मोबाइल माउंट भी है, अच्छा यार मोबाइल से ब्लॉगिंग करने के लिए चाहिए होता, दैट्स अ गुड थिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। बड़ा वाला देखेंगे, छोटा वाला है वो देखना बस बाकी है। एंड 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 ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे ट्राईपॉड जैसा ही है, बट लेट्स सी, पर ये हल्का है, बस इसका कैमरा नहीं हो जाएगा क्या कि मोबाइल पे भी ये यार, ये तो मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा इज बिट हैवी, मुझे पता नहीं कि ये वो सपोर्ट कर पाएगा या नहीं, पर ये है कि इसमें प्लास्टिक है तो ये
लग तो रहा है कि ये कर लेगा, इसमें है भी कैमरा के लिए है भी नहीं, मुझे लग रहा है ये सिर्फ मोबाइल होल्ड रहेगी, कैमरा का कोड भी नहीं है। देखिए इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ठीक है, डिसेंट हाइट का लग रहा है। ये आई गेस मेरा सुमिनी ट्राइपॉड हो गया लाइटर वर्जन, जब मुझे मोबाइल से ब्लॉगिंग करनी है ना, मेरे पास सिर्फ मोबाइल से ही हो सकती है, देन ये काम आएगा अपना प्रॉपर। ढाई फिट का हो गया, ठीक है यार मोबाइल के लिए ठीक है। लेट मी अब मोबाइल लगा के देख ही लेते हैं इस पर क्या हिसाब है इसका। हो गया अपना फोन सेट, ब्लॉगिंग कर लेंगे। ये भी सेटअप देखोगे क्या, मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। तो बहुत हल्का यार, बहुत लाइट है ये एक अच्छी बात है, इसका प्लस पॉइंट है कि इट्स वेरी लाइट। पर यह कि ये सिर्फ मोबाइल के लिए कैमरा उसके लिए नहीं यूज होता है। एंड लेट मी ओपन द कैमरा इसका, एंड उसकी ऑन करके दिखाते हैं आपको उसका सरफेस। ये देखो जी, अब दिखेगा आपको, ये देखो इधर से मैं सी इधर क्या हाई टाइम रिफ्लेक्शन है, ठीक है। चीज़ ये अपना कैमरा और मैं लाइटिंग इसलिए मेरी ज़्यादा अच्छी तरह ना देखे, यही है। एंड नीचे ट्राइपॉड है, हाँ तो यही है, सही है यार। पर मैं इसको ना शॉर्ट के लिए बेसिकली यूज़ करूँगा, मतलब ऐसे नॉर्मल मुझे सिर्फ मोबाइल से ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि हो सकता है मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर मुझे आगे मोबाइल से ही ब्लॉगिंग ज़्यादा करनी पड़े, सिनेमेटिक शॉर्ट्स वगैरह उससे लेने पड़े, तो दैट कैन बी हेल्पफुल। यही है मेरा सीक्रेट सेंटा गिफ्ट, ठीक है जी। मेरा सीक्रेट सेंटा है जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। मतलब आखिरकार मुझे मोबाइल से ब्लॉगिंग भी करनी है, एंड आजकल मोबाइल इतने अपडेट होते जा रहे हैं कि सिर्फ कैमरे से बात नहीं बनती, यू शुड हैव बोथ। तो मोबाइल के लिए मोबाइल ट्राइपॉड तो चाहिए होता, तो ये मुझे मिल गया, तो थैंक यू सो मच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा लेंथी बन गया। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। नमस्ते।